हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीईटी का रिजल्ट जो है आ चुका है और इतनी वैकेंसी के बावजूद भी तकरीबन 4000 के आसपास जो है पोस्ट अभी तक जो है एचएससी ने सेव करके रखी है कि जो भी मिस्टेक्स हों, गलतियां हों, उनको वो ज्वाइनिंग देश की। और एक सबसे खुशी की बात ये कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी रही जिसमें कि एक एक घर से दो दो नौकरियां मिली। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो स्टूडेंट जो है कैप्टन दिलीप सिंह अकेडमी से भी रहे। तो मैं मानूंगा कि दिवाली से पहले एक अच्छा तोहफा जो है स्टूडेंट्स को मिला है, मेहनत करने वाले बच्चों को मिला है। कुछ गलतियां रही हैं, कुछ के जो है रिजेक्टेड जो रिजल्ट्स रहे हैं वो मे बी वो जो है ग्रीवेंस में उन्होंने मांगा है, या फिर मैं कहूँ कि उनको एक मौका है, वो जाके इसके लिए अपील कर सकते हैं। और मे बी एचएससी ने इसी के लिए इतनी ज़्यादा जो संख्या में जो पोस्ट हैं वो अपने लिए सेव करके रखी हैं, क्योंकि जो वैकेंसी निकाली गई थी उतनी वैकेंसी फुलफिल नहीं की गई है। तो उनके लिए ऑप्शन कि मतलब एक छोड़ा गया है किस्म से, ये कह सकते हैं। साथ ही हम भी बहुत उत्साहित हैं और अति उत्साहित हैं, क्योंकि जो है दिसंबर मंथ में सीईटी दोबारा से होने जा रहा है। तो मैं कहूँ कि एक तरफ से स्टूडेंट के लिए कमबैक है कि वापसी है, कि जो लोग माइनर से रह गए, थोड़े बहुत से रह गए, कुछ तो 0.9 से रह गए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या फिर उनके लिए तो वेटिंग का भी एक ऑप्शन है, लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। दिसंबर के लिए आपको वेट नहीं करना है, जिस भी लेवल से स्टडी कर सकते हो आप करिए। हम भी नया बैच, हमने भी मंडे से अनाउंस कर दिया है, तो आप हमारे पास भी कोचिंग के लिए आ सकते हैं और अपना गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में अपना भविष्य जो है सुखद बना सकते हैं। धन्यवाद।